पहुंच ही गए IIT रुड़की। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम जा रहे हैं, ये मैं नहीं बताने का, कोई और बताएगा। हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं बताओ, कहाँ जा रहे हो? हम लोग निकल रहे हैं IIT रुड़की। बाय बाय। देहरादून राजपुर रोड से हम लोग निकल गए ISBT के लिए। देहरादून ISBT से हमने रुड़की की बस पकड़नी थी। ISBT पहुंचते ही हम लोगों को एक अच्छी सी उत्तराखंड की बस जो रुड़की जा रही थी वो मिल गई और तुरंत हम लोग बैठ गए। काफ़ी देर हो गई, सो साके में हो गया है। दिखाते रास्ते हरिद्वार के पास है और IIT रुड़की यहीं पे है, पास में 100 मीटर दूरी पे। मैं एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी न किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा जो वहाँ पे पढ़ रहा हो। वैसे तो एंट्री नहीं मिल सकती, हम लोग बाहर खड़े हैं और हमें कोई एंट्री नहीं मिली है। और आप देख दोस्त आ रहे हैं तो हमें मिल जाएगा। हाँ, अभी हमारे दोस्त आ रहे हैं और उसके बाद ये एंट्री देंगे। हमारे गार्ड साहब ने बोला कि हमें एंट्री नहीं देंगे और अभी जब वो आएंगे तो हम जाएंगे। या जैसा कि मैं बता रहा था, वो ई रिक्शा चलते हैं यहाँ से एंट्री लेने के लिए और अंदर आप जा सकते हो। ये कॉलेज के ही ई रिक्शाज हैं और आराम से आप अंदर ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी बड़ा है ना कॉलेज, इस वजह से। और हमारे IIT दोस्त मिल गए हैं। हेलो, ये है IIT का प्लेसमेंट सेल। यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स होते हैं। ये कन्वोकेशन हॉल, थोड़ा आप व्लॉग करना चाहेंगे भैया? नहीं भाई, तुम कर। अरे कंटिन्यू करो ना। आज तो वीकेंड है तो कभी कभार मूवीज़ लगती है तो हम लोग यहाँ मूवीज़ वगैरह देखने आ जाते हैं। वैसे ये World War II के टाइम पे एक बंकर था। हाँ, ओके। उसके बाद इसको रेनोवेट करके इन्होंने बहुत अच्छा है, अभी तो बंद है। तो अगला संडे से ये खुलता है, मूवीज वगैरह लगाते हैं। ओके, IIT का कैंपस है ना, वो काफ़ी बड़ा है। मतलब उसके छोटे छोटे आपको ब्लॉक हैं इनके, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पीछे उसका CS डिपार्टमेंट भी है। प्लेसमेंट सेल मैंने आपको दिखाया। बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत नीट एंड क्लीन है। मज़ा आ रहा है देख के। पूरे इंडियंस का जो PCM लेके इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मन होता है IIT में जाके इंजीनियरिंग करने का। और उसका तो अलग ही मज़ा होता है क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस है। उसके प्लेसमेंट्स बहुत ही बढ़िया हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं अपने इंडिया के कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए। बहुत ही बड़ा प्लेसमेंट्स, इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पर साइकिल्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, घूम सकते हो कैंपस के अंदर। लड़की बना रही है तो लोग देखते हैं। हाँ, नॉट बॉयज़ को कौन देखता है? सही बात है। अरे माय गॉड, दैट्स ऑन कैमरा। सही बात है। चलो आ जाओ, चलते हैं। ऊपर थर्ड फ्लोर पे आ गए। क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है। टिटी हवा भी चल रही है। यहाँ पे नीचे बैठ के लोग एंजॉय भी करते हैं, भैया बता रहे हैं मेरे को, क्या ही मज़ा आता है। वो ग्लास वाले जो बिल्डिंग्स है वो मैथमेटिक्स के हैं, उसके साइड वाले उधर इकोनॉमिक्स के बिल्डिंग्स हैं, उसके सामने वाले ये वाली बिल्डिंग कौन सी है? वाली ये तो लाइब्रेरी है अपना, सेंट्रल लाइब्रेरी। ओके। और जो जिसमें हम जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं वो कौन सी है? लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, उसमें क्लासेस होते हैं। ओके ओके। और वहाँ तो अभी हॉस्टल्स बन रहे हैं उधर उस साइड। हाँ, उसके पीछे जो दिख रहा है जहाँ पे, मतलब आपको जहाँ तक दिख रहा है गाइस वो पूरा का पूरा IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की।